लिए आज वड़ा पाव खाने का सीख है निशी दीदी से। जो चटनी होती है ना, हाँ, ये मूंगफली की चटनी होती है और थोड़ा लहसुन मिर्च। ओके, इसको यू हैव टू पुट इट इनसाइड। इसके अंदर ग्रीन चटनी भी रहती है। ओके, डालना पड़ता है। हाँ, ये हमारा इंडियन सांभर। अच्छा, वो तीखा रहता है क्या? ये थोड़ा कंपैरेटिवली। ओके, सॉरी फॉर मैसेज। एंड हाउ इट्स यू सी, सो इट्स हैज बीन, आई मीन आई डोंट नो कितने इयर्स, बट इट्स वेरी ओल्ड। इट वाज द फर्स्ट कैफे व्हिच हैज बीन स्टार्टेड इन पुणे। हे, गुड मॉर्निंग गाइस। ओ सॉरी, गुड मॉर्निंग तो ना कहवाई, કેમ કે અત્યારે વાગી રહ્યા છે 12:15, પણ પૂના આવ્યાને અમારો પહેલો વ્લોગ હશે। ઇનફેક્ટ બે દિવસ તો થઈ ગયા, બટ મેં વ્લોગ શૂટ નહોતો કર્યો જસ્ટ બીકોઝ ઓફ કે થોડું કામ હતું અને મને પોતાની જાત સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો હતો, તો બસ એટલા માટે મેં ડેઇલી વ્લોગ અહીંયાનો નથી કર્યો। બટ હા, જે જગ્યાએ હું ફરી છું એ હું તમને શ્યોર વિડીયોમાં બતાવીશ, અને જે 2-4 દિવસ અહીંયા છું એનો બસ એક જ વ્લોગ બનાવીશ, કેમ કે ટાઈમ બહુ ઓછો છે અને મારે ઘણું બધું અહીંયા પણ હું શીખી રહી છું, એ મારે શીખવું છે। તો બસ કહેવાય ને કે ટિપિકલ, લાઈક મમ્મીને ખબર છે કે હું અહીંયા આવી છું, તો એમને બસ એક જ કે માસી ક્યાં રહે છે, આટલી દૂર તું ગઈ છે, તો એકવાર એમને મળી આવ। અને માસીનો પ્રેમ પણ એટલો જ અદભુત કે ખબર પડી, ફોન કર્યો કે માસી હું અહીંયા આવી છું, તો હા બસ આપણા ગુજરાતી જે ગુજરાતી મમ્મી માસી કે રિલેટિવ્સનો પ્રેમ હોય ને, હા તારું જમવાનું તો આજે અહીંયા જ કરીશું, તારે તો અહીંયા જ રોકાઈ જવાનું છે, બસ પછી તો શું, માસીએ તો કહી દીધું, અહીંયા પૂછવાનું ના હોય, કહેવાનું જ હોય કે તારું જમવાનું બની ગયું છે આવી જશે, તો બસ હવે હું અહીંયા દીદી જોડે રહું છું, નિશી દીદી, જે બ્લડ રિલેશન ભલે નથી બટ આત્મા સોલમેટ્સ વાળા રિલેશનશીપ છે એમની જોડે, તો રિલેશન છે, તો બસ એમની જોડે અહીંયા રોકાઈ છું અને આજે હું માસીના ઘરે જઉં છું, આખો દિવસ મે બી એમના જોડે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરીશ, બહુ જ મજા આવી રહી છે। 2 દિવસથી તો ઘરે જવાનું મન તો નથી રહેતું, પણ ટાઈમ આવે એટલે જવું જ પડે, તો લેટ્સ ગો। કભી એસે ઇન્સાન કો મિલે કે જો ઓફિસ જાને સે પહેલે 2-3 ઘંટે હે ના દી તૈયાર હોતા તો મેં આપકો આજ મિલવાતી ઉસ ઇન્સાન સે, ઠીક હૈ, ગૌર સે सुनना मत देखना। ये वही शख्स है जिसको आप देख सकते हो कि पता नहीं तैयार हो ही जा रहा है, हो रही जा रहा है। आई डोंट नो कृष्णा ने मेरे बारे में क्या बोला है, बट प्रेजेंटेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओ माय गॉड, ये भी ठीक है। अगे और तंग नहीं करते, छोड़ के जा रहे हो थी, कुछ बोलना नहीं क्या जाते जाते? अच्छा हाँ, एक्चुअली मैं छोड़ के तो नहीं जा रही हूँ, आई एम ऑलवेज देयर इवन इफ आई एम नॉट, लेकिन आई वॉन्टेड टू टेल यू कि जो खाना रखा हुआ है प्लीज ईट इट ऑन टाइम जाने से पहले। एलेक्सा को लेट हर एंटरटेन यू, वो फिर से बोलना चालू कर देगी। गाने को दोहरा। हाँ एलेक्सा स्टॉप, वी नो एलेक्सा। एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू वॉट एवर यू आर डूइंग इज द बेस्ट कृष्णा, प्लीज बी वॉट एवर यू आर, you are the best version of yourself and I love you for that। Hey, I love you too dee। Okay, bye, take care yourself, milta hai jaldi। सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियो दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब। हाँ तो क्या बोल रहे थे आप, ये अप्रूव करने के बाद फिर से अप्रूवल मांगता है, ये क्या चल रहा है? माइगेट वालों को कोई प्रॉब्लम? तो बस मासी ना घरे थी आज आवी अने बस अमे लोग जमवा बैसे छे, भूख लागी छे अने राह जोई रह्या छे, तो निश्चित हम किसका वेट कर रहे हैं? हम ब्लिंकिट वालों का वेट कर रहे हैं। हमने थोड़े कुछ सामान मंगाया जो घर में खत्म हो गया था, हाँ, पर वो अभी तक आया नहीं है, और हमारी कृष्णा को घी के बिना खाना अच्छा नहीं लगता, हाँ, तो हमने सोचा कि उसका वेट कर लेते हैं,
पर अभी तक वो आया नहीं, मैंने उसको दो बार अप्रूव कर दिया. बताओ आप से शुरुआत करते हैं, आप आई गए हो इस जोन में तो nice. कुछ बोल ही दो आप, इंस्पिरेशन टाइप कुछ अच्छा ही. अच्छा तो कल मैं ऐसे ही एक स्टोरी देख रही थी किसी की तो मैंने वहां देखा लोग नई कार खरीदते हैं, नया घर खरीदते हैं तो वो अपनी स्टोरी पे डालते हैं. पर मुझे ऐसा लगता है, मतलब हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, बट आई फील कि दिस इज व्हाट सक्सेस इज डिफाइंड बाय द सोसाइटी. कि अगर आपके पास कार है, अगर आपके पास घर है, अगर आप एक अच्छी फैमिली में, मतलब शादी करके सही टाइम पे बच्चे आपके हो गए, तो दैट इज व्हाट अ सक्सेसफुल लाइफ मींस एज पर द सोसाइटी. पर मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस इज नॉट अबाउट दिस. सक्सेस किसी भी टाइम पे हो सकता है, एंड सक्सेसफुल होना, यू नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इंसान अगर ये सारी चीजें कर रहा है तभी वो सक्सेसफुल है. डेफिनेटली. तुम क्या बोलोगी? छोटी छोटी चीज में सक्सेसफुल वो अंदर से होना चाहिए. मेरे लिए सक्सेस का मतलब होता है खुशी. मैं लाइफ में कितनी पीसफुल हूँ, मेरा मेंटल स्टेट किस लेवल पे है, कितनी खुश हूँ मैं अपनी लाइफ से, इज वॉट सक्सेस मीन्स. मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरे पास लग्जरीज ओन करूं तब जाके मैं सक्सेसफुल हूँ, वो नहीं बताता. मेरे पास एक अच्छा जॉब हो, मेरे पास एक घर हो, मेरे पास सामान हो, नींद आए चैन से, ये चीज सक्सेस डिफाइन नहीं करती है. मैं कितने अच्छे से सो पा रही हूँ, दैट इज व्हाट डिफाइन सक्सेस. आ गए ब्लिंकिट वाले भी, yes. लेके आओ फटाफट से भूख लगी. ये हमारा सेशन आधा ही रह गया, कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ऐसे हम हार मानने वालों में से नहीं है. थोड़ा गुजराती में, थोड़ा हिंदी में. हाँ, और ऐसे कोई आज तक व्लॉगर ने वो भी नहीं किया होगा कि दो चार दिन का एक ही व्लॉग. हाँ, आलस तो कुट कुट के भरा है मुझ में. हला लेना पड़ता है कभी कभी बटर लगा के, ऐसे इंसान को लगा दे ऐसे चपाती को. तो दी क्या बात कर रहे थे हम खाने से पहले, जो अधूरी रह गई थी. हाँ, हम बात कर रहे थे अबाउट बीइंग सक्सेसफुल. तो सक्सेसफुल होना ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर अगर हम उसको बोलते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो जस्टिफाई करता है व्हाट इज़ एक्चुअली सक्सेसफुल मींस. तो इसीलिए सक्सेसफुल होना मेजरली क्या होता है कि अगर चैन की नींद हमें आ रही है रात को, या हम खुश हैं, या हमारे लाइफ में इतना पीस है कि हमको किसी के मतलब किसी की चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है और ये सारी चीज़ें. सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली बीइंग सक्सेसफुल मींस फॉर मी. हर किसी के लिए अपनी डेफिनेशन होती है. आज मैं सक्सेसफुल बोलूँगी तो 10 अलग लोग 10 अलग अलग चीज़ बोलेंगे. किसी के लिए मनी, किसी के लिए पावर, किसी के लिए एक्स वाई जी चीज़ें हो सकती हैं. बट फॉर मी पर्सनली सक्सेसफुल होना एक चैन की नींद है, एक सुकून भरी जिंदगी है और एक खुशहाल जिंदगी है. दैट्स इट, बस इतना ही कहना चाहूँगी और क्या. तो गाइज सांझ ऑलमोस्ट पड़ी गई थी, रात हमें बस पढ़वानी इच्छा, हम लोग को थोड़ा फ्री थया, पोत पोतना काम थी. तो अत्यारे अमे लोको निशी दीदीनो वीडियो शूट करवाना छे नवा इंस्टाग्राम पेज माटे. तो एवं हसे तो एनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपी दईश, तो तमे लोको फॉलो करी शको छो. तो बस हूँ शूटिंग करवानु सीखू छू अने एमना वीडियो शूट करवाना छे. तो हूँ बताऊँ तमने कि अत्यारे अमारु सेटअप अने केवुं चाली रह्युं छे. तो चलो, निशी दीदीना घरनो ऑल ओवर इंटीरियर तो बहु ज मस्त छे, जे मने बहु ज गमे छे. બટ અત્યારે અમારું શૂટિંગનું કંઈક આવું છે, જે કહેવાય કે બેકગ્રાઉન્ડ. અત્યારે નિશિદી કંઈક કરી રહ્યા છે ફોન પાસે. હાય હાય, રેડી? યસ, કૃષ્ણા ઇઝ હેલ્પિંગ મી અ લોટ. કૃષ્ણા થેન્ક યુ સો મચ. અરે 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 અરે, તો ચલો સ્ટાર્ટ કરતે અપન. ગાઈઝ આજ આપ મિલે મેરે હેર સ્ટાઇલિસ્ટ. હા, વહી જો હર અધૂરા વર્ડ મેરા કમ્પ્લીટ કર દેતા. थैंक यू सो मच. ऐसे मस्त फीलिंग आ रही है, पता है ऐसे छोटी बहन वाली जेन्युइन फीलिंग आ रही है कि बड़ी बहन बाल बना रही ये. और हम लोग अब जा रहे हैं केवी. हाँ, कहाँ जा रहे हैं निशी दी? कोरेगांव पार्क. और इसको मैं तैयार कर रही हूँ, यू नो
बच्चों को नहीं कर देते थे छोटी सी चोटी वैसे थोड़ा सा हाँ अच्छा लग रहा है ना मेरे सुखी ना आप तैयार हो चुकी हैं है। चलो तो चलते हैं सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना लकीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं हाय सजना जी मॉर्निंग गाइस आज 5 दिवस तो ऑलमोस्ट થઈ ગયા છે કે હું પૂના છું અને હવે ઘરે જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે જવાનું મન તો બિલકુલ નથી પણ જો ઉપર સે હા કર દિયા નો શોર અચ્છા હે થેન્ક યુ સોરી સોરી કોઈ વાત નહીં ચાલતા હે તો વાત એ હતી કે લાઈક ખરેખર બહુ મજા છે ફરીથી આજે ટ્રેનમાં સોલો ટ્રાવેલ કરીશ ફરીથી કંઈક નવું શીખવા મળશે નવો અનુભવ થશે તો એના માટે હું બહુ જ એક્સાઇટેડ છું ઘણું બધું 5 દિવસમાં શીખી ઇવન જિંદગી જીવતા એની જે ટ્રુ ડેફિનેશન કહેવાય એ હું શીખી મને બહુ મજા આવી જે કામ હતું એ પૂરું થઈ ગયું અને હવે આ વ્લોગમાં એક વાત દીદી જેમ કે નિશી દીદી છે જો હાલ થોડાક દિવસમાં નેપાળ જવાના છે એ પણ સોલો ટ્રીપ પર તો એના પાસેથી જાણીશું કે ખરેખર શું ફાયદો છે અને કેવું કહેવાય કે શું ફાયદો શું નુકસાન એ તમને કહેશે તો એનાથી શીખી કેમ કે એ એમને પહેલાં પણ કરેલી જ છે સોલો ટ્રીપ એન્ડ અગેન એ કરવાના છે તો ચલો આ વ્લોગમાં આપણે એમનાથી શીખીશું કે એમનો એક્સપિરિયન્સ શું છે એ પણ જાણીશું લેટ્સ ગો જે અત્યારે મારા માટે અને એમના માટે બંને માટે જ્યુસ બનાવી રહ્યા છે લુક એટ ધીસ તો હા નિશિદી પૂછ રહી હતી કે કુછ બતાઓ ના સોલો ટ્રીપ કે બારે અચ્છા તો ક્યા હો સકતા હૈ દેખો સોલો ટ્રીપ ઇઝ સમથિંગ જો હર કિસી કો કરના હૈ મેને બહોત સારે લોગો સે સુના હૈ પહેલી વાત તો આપકો બહોત સારા કરેજ ચાહીએ એક સાથ સોલો ટ્રીપ કરને કે ઓર હમકો પતા હૈ મેં લડકા લડકી નહીં કરતી કે वो लड़का है तो कर सकता है लड़की हर इंसान के दिल में अगर वो आग हो कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो हम वो कर सकते हैं सोलो ट्रिप कहने के लिए सबके लिए बहुत इजी है कि सोलो ट्रिप इज़ वेरी इजी जो इंस्टाग्राम की दुनिया और यूट्यूब की दुनिया में हम देखते हैं इट्स नॉट दैट इजी जब आप बाहर निकलते हो दुनिया में आपको 10 तरीके के लोग मिलते हैं 10 तरीके की चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है और एक लड़की होकर आप समझ सक तू भी समझ सकती है कि हर किसी को आसान यस इट्स नॉट दैट इजी कि आपने बस बोला और काम हो गया हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है हमें हर चीज़ ऐसा भी नहीं कि हम इंजॉय नहीं करेंगे हमें इंजॉयमेंट भी करना है सारी चीज़ें करनी है लेकिन अपने आप को ध्यान में रखते हुए दूसरा अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है हर रिलेशनशिप से टाइम देना बहुत ज़रूरी है तो जब आप सोलो ट्रिप पे जाते हो आप अपने आप को जानते हो क्योंकि वो सारा टाइम सिर्फ आपके लिए होता है आपको किसी के साथ कोई बातें नहीं करनी होती हैं आप बहुत सारे नए लोगों से मिलते हो आपको बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं आपको पता चलता है कि दुनिया में और कैसे लोग हैं अच्छे बुरे सारे तरीके के तो एक बात ये भी है स्पेस की कि अगर तुम सोलो ट्रिप करते हो तो तुम्हें खुद का स्पेस मिलता है जहाँ पे तुम अपने आप को जानते हो यहाँ पे बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि वो क्यों उनका जन्म क्यों हुआ है या उनका पर्पस क्या है लाइफ का हाँ तो वो सारी चीज़ों से आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में और वो सारी चीज़ें और हर रिलेशनशिप में एक स्पेस की ज़रूरत होती है तो जितने भी आपके ऑफिस सोशल लाइफ पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सारे लाइफ्स को अगर हम थोड़े दिन के लिए सिर्फ अपने आप को टाइम दें सिर्फ अपने आप के बारे में सोचें तो इतना सेल्फिश होना तो बनता है ताकि आप अपने बारे में ज़्यादा जान सकते हो तो मैं ये सोचती हूँ कि इवन भागवत में ये लिखा हुआ है कि हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे
तो मैं ये सोचती हूँ कि अकेले रहना भी एक ब्लिस है. जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसको आने दो, और जो जा रहा है उसको जाने दो. सो मैं शायद बहुत सारा कुछ बोल गई हूँ. सो दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू से कि सोलो ट्रिप हर किसी को करना चाहिए. अपने आप को जानो लाइफ में, एंड यस, एंड उससे सेल्फ लव भी बढ़ता है. आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ग्रोथ क्या होती है, व्हाट इज लाइफ. एग्जैक्टली. ओवर टू यू कृष्णा. बहुत सारा बोल दिया मैंने. एंकरिंग कर रही थी व्लॉग में. ओह माय गॉड, दीदी ने कितना कुछ सिखा दिया ना. तो मतलब जो लोग इसको ले रहे हैं वो भी, हमें ये नहीं है कि कर रही कंपलसरी है, मैंने बोला, निशी दीदी ने बोला तो करना. ये करता है कि अब करना चाहते हो कि नहीं. हम तो सिर्फ एक जरिया है, हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि ये होता है एक्चुअल में. और ऑल योर्स, मतलब आप पर डिपेंड करता है कि क्या करना चाहिए. ये देखिए आप चीज बना रही हैं, बहुत मेहनत है बाबा. निशी दीदी के साथ आई हूँ. ये जगह बहुत ही प्रिटी है, सुकून मिलता है. कौन सी जगह है वो तो निशी दीदी आपको आगे इंट्रोडक्ट करा देगी, पर मेरे को सच में बहुत प्यारी लगी ये जगह. मतलब लगता है कि सुकून से मिले. दीदी कहाँ आए हम? इट्स कोरेगांव पार्क. ओके, दिस इज एक्चुअली वेरी फेमस इन पुणे. और ये किसलिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे ओशो इंटरनेशनल बड़ा सा बना हुआ है, तो ओशो के बहुत सारे एंड फॉरेनर्स वगैरह काफ़ी आते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो फेमस फॉर रिच बंगलोज.